apparently I didn't react to it, but I felt really happy. It was that, जैसे मैम ने कहा, it was the last moment. But sometimes you say some challenges and some opportunities at the last moment is always good. It's very close to your heart. It's a moment for your own personal choice. So I'm very happy that I actually she chose me and I wanted to be here. So I'm here. रश्मि, कितनी हौसला अफजाई थी जब इस तरह के बच्चों को आप देखते हैं जो ऑलरेडी एक बीमारी से तकलीफ से जूझ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी फुल ऑफ लाइफ हैं, आप कितनी प्रेरणा लेती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा. अपेरेंटली बच्चों को जैसा हम दिखाते हैं वैसा वो देखना चाहेंगे और वैसे ही वो सीखते हैं, समझते हैं. बट इन लोगों, इन बच्चों को तो पता भी नहीं है बेसिकली वो किस तकलीफों से गुजर रहे हैं. दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द बेस्ट पार्ट. और उसी के दौरान उनकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है, बट उनके पेरेंट्स को मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि उनका मानसिक संतुलन जिस तरह से वो संभाल के रखते हैं और इतना बैलेंस करके उनको संभाल कर चलना, प्लस आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल्स बहुत प्रॉब्लम आते हैं. जैसे मिस्टर एंड मिसेस सालवे, मिस्टर एंड मिसेस रायन एंड मैम ने जैसे कहा, दे आर द एंजल जो लोगों को हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बी देयर एट दैट मोमेंट विद देम एंड दे आर लिविंग. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने एक कबर्ड देखा था गुड़िया से भरा हुआ, पलक उछाल का. तो मैं कहती थी इतनी सारी गुड़िया क्यों है, तो कहते थे हर एक कैंसर पेशेंट होता है वो उसका ऑपरेशन करवाती है और फिर वो एक गुड़िया या रखती है अपने पास, उतनी गुड़िया, उसका पूरा कमरा गुड़िया से भरा हुआ है. एंड द काइंड ऑफ लव, इमोशन, कॉन्फिडेंस जो जैसा उस लड़की के पास है, इतनी कम उम्र में मैंने बहुत कम लोगों में देखा है. और ये बच्चे तो आने वाला कल है, सो आई एम श्योर एंड आई प्रे दैट कि वो इन तकलीफ़ों से जल्दी जल्दी गुजरे और आगे बढ़े और आने वाला कल आज से बहुत बेहतर बनाए. और आप क्या कहना चाहेंगे, आपने जिक्र किया आपकी फैमिली से भी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की एक उम्मीद जगती है कि कुछ पता नहीं है जिंदगी. Exactly. My mom is a cancer patient and apart from that, हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी परेशानियां हैं, हर किसी के साथ परेशानी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत खुश है, जिसके पास है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है. सो बेसिकली हमें इन बच्चों को देख के ना ये सीखना चाहिए कि इनके पास आज से, जब ये कुछ बच्चे इसमें 5 साल के हैं, कुछ 6 साल के हैं, कुछ 10 साल के हैं, इस उम्र से ही इस परेशानी के साथ जूझ रहे हैं और उसके बाद भी उनके चेहरों पे जो स्माइल है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है. एंड वी शुड ऑल थिंक दैट अगर ये बच्चे इतना खुश रह सकते हैं तो हम सबको खुश रहना चाहिए. ज़िंदगी कभी अच्छी होती है, कभी ख़राब भी होती है, कभी परेशानी आती है, कभी खुशियाँ आती है, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाकी सबको भी जो हमारे आसपास लोग हैं उन सबको खुश रखें. जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें, जो भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर बिकॉज बहुत सुकून मिलता है. जैसे आप ट्रैवल करते हैं, नेचर में जाते हैं, वादियों में देखते हैं, इधर उधर, बहुत सुकून मिलता है. उसी तरीके से जब हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं ना, उनसे पॉजिटिविटी आती है, बहुत बहुत सुकून मिलता है. और मैं हमेशा आपके साथ, ट्रस्ट के साथ हमेशा हूँ, हमेशा ही रहूँगा.